नमस्कार दोस्तों, हीरा की रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज एक डिश हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बिहार का सुप्रसिद्ध डिश है लिट्टी। तो देख लेते हैं सबसे पहले उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सत्तू चाहिए। तो यहाँ हम 250 ग्राम सत्तू ले लिए हैं। यहाँ कुछ हम लोग हरा मिर्च लिए हैं और कुछ लहसुन का कलिया है जो हम लोग छील चुकी हूँ, छील के रखी हूँ। और यहाँ पे है 20-25 दाने गोल मिर्च का। और ये कुछ हम हरा धनिया लिए हैं, एक नींबू लिए हैं, और ये अदरक का टुकड़ा है, और एक चम्मच अजवाइन और मंगरेल है। स्वाद अनुसार हम नमक लेंगे और सरसों तेल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो ये हरा मिर्च और लहसुन और अदरक है इसको हम लोग बारीक काट लेंगे, और जो गोल मिर्च है इसको हम दरदरा कूट लेंगे। तो यहाँ हम मिर्चा, लहसुन और अदरक के जो टुकड़े हम रखे थे उसको हम बारीक काट लिए हैं, और जो गोल मिर्च था उसको भी इसमें दरदरा कूट कर डाल दिए हैं, और ये जो धनिया था उसको भी हम बारीक काट लिए हैं, और ये अजवाइन है, मंगरेल है, इसको हम हाथ पर लेकर ऐसे हथेली पर इसको थोड़ा सा ऐसे मैश करके और इसको हम डालेंगे, इससे अच्छा सुगंध आता है। और ये नींबू है इसको भी हम निचोड़ देंगे इसमें। नींबू बहुत ज़रूरी है लिट्टी में डालना। जो इसका बीज है इसको हम साइड कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब इसमें नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसको मैश करेंगे। उसके बाद जो मेरा सत्तू था इसमें डालेंगे। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से हमको मिलाना है। ये जो सरसों तेल रखे थे इसको भी इसमें डालेंगे। अब इसको हम दोनों हाथों की सहायता से ऐसे अच्छा से मिलाएंगे। देखिए हम किस तरह लिट्टी के मसाले के जो हम तैयार कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह तैयार करना है। दोनों हाथों के ऐसे लेकर और बहुत ही बढ़िया ढंग से इसको मिलाना है। देखिए अब लगभग मेरा तैयार हो चुका है मसाला लिट्टी का। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है ना। चलिए अब मेरा मसाला तैयार हो गया लिट्टी का। अब हम चलते हैं आटे की तरफ। अब हम लोग आटा को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम नमक डालेंगे थोड़ा सा। और इसमें हम इतना भर के एक चम्मच सोडा डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें 3-4 चम्मच के बराबर ऑयल डालेंगे, रिफाइन ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको हम अच्छा से मैश करेंगे। अच्छी तरह से दोनों हाथ से इसको हम मिलाएंगे। अब इसमें हम आटे में हम पानी डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से, और इसको गूंथेंगे। हमें आटे को ना ज़्यादा टाइट गूंथना है और ना ही ज़्यादा लूज गूंथना है, नॉर्मल गूंथना है, जैसे पूरी का आटा सानते हैं उससे थोड़ा सा टाइट। ज़रूरत के हिसाब से हम पानी डालेंगे। अब मेरा ये आटा गूंथ के तैयार हो चुका है। बिल्कुल सही गूंथाया है आटा, जैसा हमको चाहिए, ना ज़्यादा गीला है और ना ही ज़्यादा टाइट है, बिल्कुल लिट्टी के लिए सही है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। और मेरा सत्तू भी इधर तैयार है,
इस सत्तू में हम प्याज नहीं डाले हैं, क्योंकि अगर हमें सफ़र वगैरह में जाना रहता है तो प्याज डाल देंगे तो लिट्टी जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन हम नहीं डाले हैं। तो चलिए अब ये मेरा तो रेडी हो गया, लेकिन हमको लिट्टी बनाना है गोइठा पर। तो अब गोइठा हम लोग जलाएंगे, तो चलिए देखते हैं गोइठा हम लोग जलाना शुरू करेंगे। अब देखिए हम गोइठा यहाँ जला लिए हैं। अब इस गोइठे को जब तक धुआं नहीं निकल जाता है तब तक हम वेट करेंगे। उसके बाद जब धुआं ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस पर लिट्टी सेकेंगे। तब तक हम चलते हैं अपने लिट्टी को तैयार करने के लिए। अब 10 मिनट हो चुका है, मेरा आटा बिल्कुल तैयार है लिट्टी बनाने के लिए। अब लिट्टी बनाना हम स्टार्ट करते हैं, और उधर मेरा गोइठा भी रेडी हो रहा है। तब तक हम लिट्टी बना के तैयार करते हैं। एक छोटा सा लोइया लेंगे हम, इसको अपने हाथों से मसल कर ऐसे इसको गोल करेंगे। और हल्का से इसमें परथन लगा लेंगे और इसको ऐसे चकला करेंगे। उसके बाद जो मेरा सत्तू रेडी है उसको इसमें हम भरेंगे और इसको सील करेंगे। बिल्कुल इजीली सील हो गया। अब दूसरा भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। अब गोइठा मेरा देखिए लग गया है। अब इसको हम बराबर करेंगे बहुत अच्छी तरह से। गोइठा मेरा ऐसे ऐसे एक बराबर करेंगे। अब थोड़ा बहुत जो ये दिख रहा है उसको हम लोग पलट देंगे, सबको बराबर करेंगे। अब इसमें हम अपना जो लिट्टी गढ़ के रखे हैं बनाकर उसको इस पर डालेंगे फटाफट। इसमें थोड़ा सा हाथ फटाफट चलाना होता है। और जो पहले से डाले हैं उसको फटाफट पलटना भी होता है। देखिए कितना जल्दी जल्दी सिक रहा है। देखिए मेरा सारा लिट्टी सेक के तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग निकालेंगे एक बर्तन में। सारा लिट्टी मेरा तैयार हो चुका है, देखिए काला काला दिख रहा है ना। अब इसको हम झाड़ कर गोरा करते हैं, देखिए कैसे। देखिए सारा लिट्टी हम गमछा में डाल दिए हैं। अब इसको हम हिलाकर और झाड़ेंगे। मेरा लिट्टी का कलर देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल वाइट वाइट लग रहा है क्या कि गोइठा पर का सेका हुआ है। देखिए अब मेरा लिट्टी हम झाड़ लिए हैं, लिट्टी मेरा कितना अच्छा दिख रहा है, लिट्टी बहुत अच्छा बना है। लिट्टी को आप चाहे तो चोखा के साथ भी खा सकते हैं, चिकन के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आप चाहे उसे खा सकते हैं, इसको घी में भी डिप करके खा सकते हैं। तो हम लोग आज बनाए हैं चिकन, और हम लोग चिकन के साथ इसको सर्व करेंगे। तो देखिए हमारा चिकन बन के तैयार है और हम लोग चिकन के साथ इसको खाएँगे और इन्जॉय करेंगे। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।